पर्व लोक आस्था का महापर्व है। छठ पर्व अब सिर्फ बिहार और यूपी तक ही सीमित नहीं रहा है। लोक आस्था का यह पर्व अब पूरे देश समेत विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की पूजा से आयु, बुद्धि, बल और तेज की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्र प्राप्ति और संतान संबंधी समस्या के समाधान के लिए सूर्य की उपासना करना श्रेष्ठ माना गया है। छठ पूजा में एक एक विधि विधान को महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह इकलौता ऐसा पर्व है जहां हम जिसके लिए पूजा करते हैं उस भगवान के साक्षात दर्शन भी करते हैं। इन विधि विधानों में पूजन सामग्री का विशेष महत्व होता है, साथ ही इन सामग्री के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि छठ में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना छठ पूजा को पूरा कर पाना असंभव है। छठ पूजा की सामग्री। बांस या पीतल की सूप, जिसे कई जगह सूपा भी कहा जाता है। बांस के फट्टे से बना दौरा, जिसे डलिया और डगरा के नाम से भी जाना जाता है। पानी का नारियल, गन्ना जिसमें पत्ता लगा हो। सुतनी, शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा। नाशपाती, एक बड़ा नींबू जिसे ताप के नाम से भी जाना जाता है। शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, सिंदूर, कपूर, कुमकुम, चावल, चंदन और मिठाई। इसके अलावा घर में बने हुए पकवान, जिसमें ठेकुआ, खस्ता आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा छठ पूजा में पुआ भी महत्वपूर्ण होता है, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही चावल के लड्डू, जिसे लडुआ भी कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे या स्टील का लोटा। छठ पूजा के लिए ये सभी सामग्री अति विशेष मानी गई है। इनके बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इतना ही नहीं, अगर इन सामग्रियों का प्रयोग छठ पूजा में ना किया जाए तो छठ पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए छठ पूजा में इन सभी सामग्रियों का प्रयोग अवश्य करें। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारियाँ इस छठ पूजा आपके बेहद काम आएंगी। हमारे चैनल लाइव सिटीज एस्ट्रो को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए लाइव सिटीज एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।